नमस्कार, मेरा नाम सीमा है और मैं रूटस्टेक की तरफ से आपको कुछ नई नई जानकारियां देना चाहती हूँ। हम लोग एथनिक वेयर पे काम करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वेयर्स हैं भारत के, जिसमें साड़ियाँ, दुपट्टे और स्टोल्स आते हैं जो अनस्टिच होते हैं, हम लोग उन पे काम करते हैं। और हमारा मानना है कि जो हमारी विरासत में जो लोक कलाएं हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। और ये लोक कलाएं, कलाकारी का एक ऐसा माध्यम है जिसे हम सब चीजों पे उतार सकते हैं। जैसे हम चित्रकारी करते हैं तो उसे दीवारों पे भी करते हैं और उन्हें पेपर्स पे भी करते हैं। और जो हमारा खासियत है वो ये है कि हम इन्हें कपड़ों पे करते हैं। हम चाहते हैं कि जो ये हमारी कलाएं हैं वो आपके पास बहुत पर्सनलाइज तरीके से रहे। तो हमारा बनाया कोई भी जो कपड़ा होता है वो एक कपड़ा नहीं होता, वो एक कलाकृति है जिसे आप अपने साथ उस समय लेके चल रहे होते हैं। लोग आप जहाँ से गुजरते हैं आपको देख रहे होते हैं और आपको बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं कि कुछ तो खास बात है, ये किस तरीके का कपड़ा है या किस तरीके की कला है। तो हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके की कलाएं विद्यमान हैं। आज मैं जिन दो कलाओं के बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक है बिहार की मधुबनी या फिर मिथिला चित्रकला और दूसरी है गुजरात की बंधेज कला। तो इन दोनों कलाओं को हमने एक साड़ी में जोड़ने का प्रयास किया है, आइए देखते हैं कैसे। तो आज की साड़ी जो है हमारी बंधेज और मधुबनी है। बंधेज में दो तरीके के बंधेज किए जाते हैं, एक राई बंधेज होता है, आपने देखा होगा अक्सर साड़ी में छोटे 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 दाने जो है पूरी साड़ी में नजर आते हैं, लेकिन उनका पैटर्न जो है वो वर्टिकल होता है, मतलब वो आपको सिर्फ दाने दिखाई देते हैं लेकिन उसमें डिजाइन जैसी कोई चीज नहीं होती। पर ये वाला जो बंधेज है जिसे हम दिखा रहे हैं अभी आपको, ये सरकम बंधेज है। सरकम बंधेज में डिजाइन का एक पैटर्न होता है, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को हम बंधेज से बांधते हैं, उसके बाद उस डिजाइन को बनाया जाता है और इसको सरकम बंधेज कहते हैं। तो इस साड़ी पे, ये मूंगा सिल्क की साड़ी है, ये हाथ से बुनी जाती है, इसको करघे पे किया जाता है और ये अलग अलग क्षेत्रों में जैसे झारखंड में, हमारे भागलपुर में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बुनकर जो है इसे तैयार करते हैं। आज का जो मूंगा सिल्क है हमने बिहार के झारखंड से इसका कच्चा माल लिया है और बहुत खासियत होती है वहाँ के मूंगा की, वो मूंगा जो है वो बहुत प्योर होता है और इसपे इस तरीके के जब काम किए जाते हैं तो उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इस मूंगा में ये खासियत होती है और मूंगा साड़ी बनने में जो है 15 से 20 दिन का समय लगता है और सिल्क बनने में 1 महीने 1.5 महीने का समय लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक कला से जो भरी पूरी सामग्री होती है, साड़ी होती है, वो सिर्फ मोल भाव तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा देखना चाहिए कि जो साड़ी हम पहन रहे हैं, बना रहे हैं या ले रहे हैं, उसमें क्या क्या शिल्प जुड़ा हुआ है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को उससे रोजगार मिला है, कितने लोगों की जो कलात्मक क्षमता है उसको वो साकार कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो एक तरफ ये झारखंड से मूंगा है, दूसरी तरफ गुजरात के कच्छ से जो है बंधेज है और तीसरा जो हमारा एक और महत्वपूर्ण भाग है इस साड़ी का, आंचल, ये देखिए। इस आंचल में मोर और फूल पत्ती का डिजाइन किया गया है। इस आंचल में दो ही रंगों का हमने प्रयोग किया है क्योंकि साड़ी काली है और उसका जो बेस है वो नेचुरल कलर का है, तो नेचुरल कलर पे हमने उसका कंट्रास्ट काम किया है काले और लाल से। तो लाल थोड़ा इसलिए दिया है ताकि डिजाइन में थोड़ा उभार आ सके। ये लाल रंग का उभार जो है इस साड़ी को एक नया लुक दे रहा है। उसको सेम टाइम पे ये मिथिला की लोक कला है, मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकला जो बहुत पारंपरिक है, हजारों साल पुराना है, इसका अपना इतिहास रहा है और उसी तरीके से बंधेज बहुत पुराना उसका इतिहास रहा है, मूंगा का इतना पुराना जो है बुनाई का इतिहास रहा है और इतने पारंपरिक चीजों को हम एक जगह पे इकट्ठा कर हैं। और ये सिर्फ इसलिए इकट्ठा नहीं करे कि इस शिल्प को हमें बाजार में एक जगह देनी है, हम इसलिए इसको बना रहे हैं ताकि हम इन विभिन्न शिल्पों को एक जगह ला के और हम अपने जो कला प्रेमी हैं उनको, उनकी रस जो होता है, उनका जो चाहत होती है, जो उनको कला के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता होती है, जो कला की भूख होती है, उसको हम शांत कर सके, उनको थोड़ा सा ऐसा रस दें कि उनमें जो है कला के प्रति और जो है उनकी कुमारी अच्छी बनी रहे। तो इस
तरीके से हमने इसको साड़ी को तैयार किया है। ये साड़ी तैयार होने में लगभग पूरा प्रोसेस, वो चाहे बुनाई हो, चाहे बंधेज हो, चाहे मधुबनी हो, पूरे इस प्रोसेस में 3 महीने का समय लगा है। देखिए ये साड़ी, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ड्रेप करके थोड़ा दिखाना चाहूंगी। ये हमारा पल्लू है, ये इस तरीके से आएगा और ये साड़ी है। और देखिए ये साधारण तरीके से जो है, ट्रेडिशनल और साधारण तरीके से इसको ड्रेप करते हैं। और ये देखिए हमारी साड़ी कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये आप बताएंगे कि कैसी लग रही है ये साड़ी। ये साड़ी हमारी वेबसाइट पे आपके लिए तैयार है, आप जब चाहें इसे खरीद सकते हैं और जब चाहें कला के संसार में जो है स्वागत कर सकते हैं अपना। और इस तरीके की और कलात्मक परिधानों को जो गीती जाती जागती जो है एक कलाकृति है, इन सब कलाकृतियों को जो आप अपने संग्रह में शामिल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज और माध्यमों से हमारे से जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं। वीडियो में हम आपके पास एक नई साड़ी लेके, एक नई जानकारी लेके, एक नई कलाकृति लेके फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।